बैलगाड़ी से पहुंचे बाराती, पालकी से पहुंचा दुल्हा। नमस्कार, मैं हूं विष्णु शर्मा। रविवार को कुशहरी गांव से निकलने वाली छोटे लाल की बारात को जिसने भी देखा उसकी सराहना करने से अपने आप को नहीं रोक पाया। छोटे लाल की बारात में बाराती बैलगाड़ी से तथा छोटे लाल पालकी में सवार होकर चल रहे थे, जो कि पुरानी परंपराओं को याद दिला रहा था। इस बारात को देखकर बुजुर्ग दूल्हे तथा बारातियों की काफी तारीफ कर रहे। देखिए आप इस रिपोर्ट में। जिधर से बारात निकल रही थी उधर बारात की परंपरा को सभी लोग देखने को मजबूर हो जाते थे। रामपुर विकास खंड के कुशहरी गांव में रहने वाले छोटे लाल पाल धननगर पुत्र स्वर्गीय जवाहरलाल की शादी के रुद्रपुर क्षेत्र के पकड़ी बाजार के नजदीक बल्डीहा दल गांव निवासी रामानंद पाल धननगर की पुत्री सरिता से तय थी। रविवार को बारात रवाना होनी थी, इसके लिए कुशहरी में पिछले एक सप्ताह से तैयारी चल रही थी। छोटे लाल ने अपनी बारात पूरे रीति रिवाज और परंपरा से निकाली गई थी। जानकारी दुल्हन पक्ष को पहले ही दे दिया गया था। सुबह 11 बजे बैलगाड़ियां सज धज कर छोटे लाल के दरवाजे पर पहुंची तो लोग देखकर दंग रह गए और सभी बैलगाड़ी खास अंदाज में पीली छतरी से सजी थी। रिश्तेदार और बाराती भी सुबह पहुंचकर जो लोग उत्सुक थे उन्हें बारातियों ने बताया कि बारात 22 किलोमीटर दूर बैलगाड़ी से ही तय कर जानी है, सुबह ही निकलना पड़ेगा। सारी तैयारी होने के बाद दुल्हा छोटे पाल धननगर पालकी से परछावन के लिए निकले। आगे आगे बैंडबाजों की वजह से फरी नृत्य कलाकार कर रहे थे। इस दृश्य को मानो वर्षों पुरानी परंपरा को जीवित कर दिया है। छोटे लाल पालकी परछावन पालकी में बैठे हुए हैं। परछावन के बाद पालकी से उतरकर छोटे लाल बैलगाड़ी में सवार हुए। इसके बाद खास अंदाज में इनकी बारात दुल्हन को लाने के लिए पकड़ी बाजार के लिए रवाना हुई। रास्ते में यह बारात लोगों को आकर्षण का केंद्र बना रहा। चौक चौराहे से गुजरते समय लोगों की जा रही जिले में अनोखी बारात चर्चा का विषय बना हुआ है। छोटे लाल मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आर्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। रिश्ता तय होने के बाद जब छोटे लाल घर आए तो उन्होंने अपनी बारात खास अंदाज में निकालने पर घर पर चर्चा की।